आखिर कौन से ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने सामने आकर बिग बॉस के मेकर्स पर इनडायरेक्टली इल्जाम लगाया है? जी हाँ, उन्होंने कहा है कि उन्हें मजबूर किया गया बिग बॉस करने के लिए। आखिर किसने मजबूर किया और क्या मजबूरी थी, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। बिग बॉस जितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, जितनी बड़ी इसकी रेंज है, जितनी बड़ी इसमें यू नो बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता दूं कि बिग बॉस जहां एक तरफ आपको शोहरत, नाम और बहुत सारी स्टार्डम देता है, वहीं दूसरी तरफ आपसे बहुत कुछ छीन भी लेता है। जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा है कि अगर आपने बिग बॉस किया और आपको बिग बॉस पचा नहीं, तो फिर वो यू नो एक नज़र लगने वाली बात हो जाती है। इट कैन लिटरली मेक योर डाउन अपसाइड, है ना, मेक योर लाइफ अपसाइड डाउन। तो इस वक्त मैं बात कर रही हूँ बिग बॉस सीजन 10 में नजर आने वाले राहुल देव की। जी हाँ, राहुल देव को आपने एज एन एंटागनिस्ट कैरेक्टर कई सारे मूवीज में देखा है, इंडस्ट्री का बहुत इंटेग्रल पार्ट है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उनके पास एक भी काम नहीं था। जी हाँ, इस बारे में एक्टर मॉडल राहुल देव ने याद करते हुए अपने लाइफ के उस हिस्से को काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक बताया है। 2009 में राहुल देव की वाइफ की डेथ हो गई थी, जिसके बाद अपने 4 साल के बेटे को उन्होंने यू नो रेज किया, और छोटा बेटा था उनका बेटी बेसिकली, और उसको रेज किया। बीइंग अ सिंगल पेरेंट इज़ वेरी टफ़, इस बारे में भी उन्होंने बात की, लेकिन आगे वो कहते हैं कि और फिर आप सोचिए, इतना काम इंडस्ट्री में करने के बावजूद भी मुझे बिग बॉस 10 में जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं था उस वक्त। जी हाँ, आई वॉज अ पार्टिसिपेंट इन बिग बॉस 10 बिकॉज देर वॉज जस्ट नो वर्क लेफ्ट फॉर मी। आई वोंट ब्लेम एनी वन फॉर इट, बिकॉज इन आर लाइन मार्केट चेंजेस प्रिटी फास्ट एंड 4.5 years इज अ लॉन्ग टाइम। 4.5 साल तक मैं सिंगल पेरेंटिंग कर रहा था मेरी वाइफ के गुजरने के बाद, और इसीलिए मैंने कोई फिल्म एज सच साइन नहीं की, जिसके बाद इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट मतलब लोग मुझे भूल ही गए, और उसके बाद मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा था सिवाय बिग बॉस करने के। इसीलिए मुझे किस्मत ने मजबूर किया बिग बॉस करने के लिए। मैं आपको बता दूं, वो कहते हैं आई फील अ ग्रेट सेंस ऑफ बिलोंगिंग नाउ एंड देयर आर मेनी पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जी हाँ, उसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि उनके जो गुरु हैं, उन्होंने भी उन्हें एडवाइस किया था कि वो मुंबई वापस आ जाएं, मुंबई में कई सारे और काम जो हैं वो ढूंढे। इसी के साथ साथ सिंगल पेरेंटिंग पर जब उनसे सवाल किया गया, तो वो कहते हैं पेरेंटिंग इज नॉट एट ऑल ईजी, वुमेन हैव अ बिग हैंड इन रेजिंग चिल्ड्रन एंड द वे दे अंडरस्टैंड चिल्ड्रन प्रॉबेबली बिकॉज इट कम्स आउट ऑफ देम नेचुरली, बट मेरे लिए वो 4 साढ़े 4 साल बहुत टफ थे, और उसके बाद इंडस्ट्री में काम ढूंढना, वापसी करना, वो और भी ज्यादा टफ था। वेल डेफिनेटली बिग बॉस कई लोगों की मजबूरी का भी रीजन होता है, यू नो कई लोग मजबूरी में बिग बॉस में आते हैं, और इस पर आप क्या कहेंगे बताइएगा जरूर।